वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, रिसेंटली मैंने जो है ना एक न्यू सैनिटरी पैड ट्राई किए हैं, जो कि है क्लोविया के रैश फ्री पीरियड सैनिटरी पैड्स। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी मैं कोई न्यू पैड ट्राई करूंगी तो आपके साथ जो हूँ उसका रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी। तो यस, इसी का रिव्यू जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं हम इसकी पैकेजिंग से। तो यार, पैकेजिंग जो है ना ओसम से भी ओसम मुझे रिसीव हुई है। और आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो ना एक पिंक कलर का ये बॉक्स मुझे मिला है, और इसके अंदर है एक और बॉक्स जिसके अंदर सैनिटरी पैड्स हैं। तो अब तक के जितने भी पैड्स मुझे रिसीव हुए ना, उनमें से इसकी पैकेजिंग सबसे बेस्ट पैकेजिंग मुझे लगी। पहले तो जब ये मुझे बॉक्स मिला ना, तो मुझे लगा इन्होंने कोई दूसरे ही पैड मुझे सेंड कर दिए, बट जब इसको ओपन किया ना, तो तब जाके मुझे पता लगा कि नहीं, इसकी पैकेजिंग ही ऐसी है। तो ये तो थी इसकी पैकेजिंग। एंड गाइस, ये वाले पैड्स जो है ना ट्रिपल एक्सल साइज के हैं, और ये स्पेशली इन्होंने डिजाइन किए हुए हैं फॉर हैवी नाइट फ्लो के लिए। और इसी का रिव्यू मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मुझे ये पैड जो है कैसे लगे। तो या वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पैकेजिंग तो आपने देख ही ली है, एंड ये है क्लोविया रैश फ्री पीरियड सैनिटरी पैड्स। ट्रिपल एक्सल साइज के ये पैड्स हैं, और एक पैक में आपको 10 पैड्स मिल जाते हैं। और आई थिंक 2 पैड्स मैं इसके यूज कर चुकी हूँ। तो चलो अब मैं आपको जो ना एक पैड जो हूँ ओपन करके इसको खोल कर भी दिखा देती हूँ। तो जब मैंने इसे पहली बार देखा था ना, तो मैं इसको देखकर ही शॉक रह गई, क्योंकि ये इतना लॉन्ग पैड है ना, आप देख ही लो। क्योंकि मैंने ट्रिपल एक्सल साइज के पैड और भी मंगवाए हैं, बट इतना बड़ा ट्रिपल एक्सल वाला मुझे कभी भी नहीं मिला। तो आप देख सकते हैं कि मैं जो हूँ ना आपको अपने हाथ से भी इसका मेजरमेंट करके दिखा रही हूँ। और वैसे इसकी लेंथ जो है ना 410 mm है, और मेरी हथेली से भी आप देख सकते हो, 2 हथेली और उससे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा, तो काफी लॉन्ग पैड है ये। इसको मैं आपको जो ना पूरा ओपन करके भी दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसकी टॉप लेयर दिखा रही हूँ। तो काफी सॉफ्ट कॉटन है ये, वियर करने पे बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि आपने कुछ वियर भी किया हुआ है, और काफी कंफर्टेबल फील करोगे आप इसमें। बेस्ट पार्ट इस पैड का ये है कि आगे से तो विंग्स होते ही है, बट बैक साइड से भी जो है ना विंग प्रोवाइड करवाए हुए हैं इन्होंने। इससे क्या होगा ना कि आपका पैड जब आपने स्टिक कर दिया ना एक बार, तो उसके बाद टस से मस नहीं होगा उस जगह से, यानी कि पैड इधर से उधर बिल्कुल भी नहीं खिसकेगा। और इसकी बैक साइड जो है ना काफी वाइड है, तो स्टेन लगने की तो प्रॉब्लम ही नहीं है। एक और अच्छी चीज ये कि इसमें ये जो ग्रीन कलर की स्ट्रिप है, ये एंटी बैक्टीरियल स्ट्रिप है, जो कि बैक्टीरिया को किल करता है और उन्हें बढ़ने से रोकता है। तो ये पैड लॉन्ग होने के साथ साथ रैशेस फ्री भी है, इरिटेशन नहीं होगी, लीक प्रूफ है, एब्जॉर्वेशन अच्छी है, वेटनेस नहीं है, ड्राई फील करोगे, और हाँ फ्रेग्रेंस फ्री है। तो गाइस देख रहे हो कितना बड़ा पैड है। मैंने जो है ना इससे पहले भी ट्रिपल एक्सल साइज का मंगवाया था, लेकिन इतना बड़ा पैड जो है ना मैंने पहली बार ही मतलब परचेज किया है। इससे पहले भी जो है ना मैंने परचेज किया था, बट वो इससे थोड़ा सा छोटा था, इतना बड़ा नहीं था। तो फर्स्ट टाइम मैंने इतना बड़ा पैड देखा है, एंड काफी कंफर्टेबल है। ओवरनाइट आप इसे पहन सकते हो, और इचिनेस वगैरह रैशेस वगैरह कोई नहीं होगी, और पहनने पर पता भी नहीं लगेगा बिल्कुल भी कि आपने वियर किया हुआ है। तो फ्रंट टू बैक साइड आपको जो है फुली कवरेज देगा, पीछे की साइड विंग्स है, तो यार स्टेन लगने की प्रॉब्लम तो बिल्कुल आप छोड़ दो, मतलब नहीं लगेंगे स्टेन। तो यस, आई थिंक मैंने इसके बारे में आपको सब कुछ बता ही दिया है। तो अगर आप कोई अच्छा सा और लॉन्ग पैड जो है ना सर्च मार रहे हैं ना, तो इसे डेफिनेटली ट्राई करना। मुझे पर्सनली काफी ज्यादा अच्छे लगे, नाइट के लिए बिल्कुल अच्छा है, एंड अगर हैवी फ्लो भी आपको होता है ना, तो उसके लिए बेस्ट है। और डे के टाइम पे तो जो है ना आप रेगुलर वाले या फिर एक्सल या फिर डबल एक्सल वाले भी यूज कर सकते हैं, बट नाइट के टाइम जो है ना फुल कवरेज हमें चाहिए होती है, तो ये फ्रंट टू बैक साइड बिल्कुल फुली कवरेज आपको देगा। तो यार डेफिनेटली ट्राई करना। बाकी इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। प्राइस वाइज भी जो है ना ज्यादा कॉस्टली है नहीं, मुझे अभी प्राइस याद नहीं आ रहा। हाँ, लिंक मैं दे दूंगी, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।